आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठोक के भाई तो चलते हैं आज की वीडियो के लिए। 370 पर पाकिस्तानी का रोना धोना शुरू। तो वो तो रोंदू कौम है, रोती तो रहती है, पर देखते हैं वीडियो फिर देते हैं मजीद इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा मजेदार है भाई साहब, आखिर तक देखिएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार का जो फैसला था 370 को लेकर, यानी कश्मीर को लेकर, उस फैसले को सही ठहराया है और कहा है कि सरकार ने जो फैसला किया वो ठीक किया। और साथ ही कहा है कि जी इलेक्शन आप वहां पर कराइए जल्द से जल्द, सितंबर में शायद बोला है कराने को अगले साल तक। तो इसके बाद जो है वो पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है कि लफड़े तो होने ही थे पाकिस्तान में। जब 5 अगस्त 2019 को हटा था तब भी रोना धोना मचा था, आज भी रोना धोना मचना था। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन कैसे आ रहे हैं जो वहां के इंटेलेक्ट। जनता पार्टी को पता है कि वो इंतखाबात तो इस तरह जीत नहीं सकती, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिगिंग कर रही है एक लिहाज से। और चूंकि इस वक्त उसको मेजॉरिटी हासिल है, वो अमेंडमेंट्स लाकर पास भी करवा सकती है जिस तरह 5 अगस्त 2019 को किया था। कम से कम जो लोग हैं जम्मू और कश्मीर में वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे कि उनका जो स्पेशल स्टेटस था वो छिन गया, या जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं, आर्टिकल 35A को ख़त्म कर दिया गया, तो इन चीज़ों को वो अभी तक उन्होंने तस्लीम नहीं किया। गो के हमें उस तरह अच्छा ये बोल कौन रहा है? ये पाकिस्तान में बैठे हुए एम्बेसडर बोल रहे हैं। अब मैं यहां से बैठ के बोलूं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान सरकार के फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये तो मजाक का पात्र बनूंगा ना मैं कि मैं यहां बैठा हूं और मैं वहां के लिए ज्ञान दे रहा हूं। भाई अगर कश्मीर के लोग इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो कश्मीर में इसका असर दिखेगा ना, वहां पर तो कोई असर ही नहीं दिख रहा। वहां पर 370 के एब्रोगेशन के बाद से लोग बड़े खुश हैं और इसके सैकड़ों वीडियोज आ चुके हैं, कश्मीर से वीडियोज आ चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो मानना नहीं है। नहीं नहीं वो सब बीजेपी के एजेंट हैं, तो वो तो भारत के एजेंट हैं और वो तो ये हैं। आप लोग रोना धोना किए रहिए सर, आप लोग रोना धोना मचाए रखिए। हमने जो करना था 5 अगस्त 2019 को भी किया, आज भी हुआ और आगे भी होगा, यकीन मानिए। और आप लोग रोते रह जाएंगे, 76 सालों से आप लोग रो ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आप एक डिप्लोमैट होके ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब फॉर्मर डिप्लोमैट होके, जब तक सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे ना सर, ये आपको सच्चाई कुढ़ाती रहेगी, जलाती रहेगी अंतर से। ऐसे ही टेस्ट और एजुटेशन भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसकी और वजूहात हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर लोग बाहर नहीं निकल रहे और इतनी पाबंदियां हैं, सारी सियासी क़्यादत जो है वो जेलों में है, तो एक मुश्किल हालात तो हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये इन्फ्रेंस ये ड्रॉ नहीं किया जा सकता कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने ये सारी जो तब्दीलियाँ हैं तस्लीम कर लिए हैं, या मकबूज़ा जम्मू और कश्मीर में भारत का नाजायज़ कब्ज़ा तस्लीम कर लिया है। हम देख रहे हैं फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, तो कुछ बईद नहीं है कि कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद हमें कश्मीर में भी यही सूरत हाल नज़र आए। तो क्योंकि आज़ादी की जो जद्दोजहदें होती हैं उनको आप वक्ती तौर पर कुछ किसी ना किसी तौर दबा तो सकते हैं। तो जो फ़लस्तीन का हाल हुआ है ना, अगर आपने वो करने की कोशिश की हमारे कश्मीर में, तो जो फिलिस्तीन जैसा नजर आ रहा है ना खंडहर, यकीन मानिए पाकिस्तान भी एक ना एक दिन खंडहर ही नजर आएगा। यकीन मानिए क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि पहले वाली सरकार नहीं है, ये पहले वाले लोग नहीं है, या पहले वाली जनता भारत की नहीं रही। खामोश तो कर सकते हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं कर सकते, तो ये आवाजें तो उठती ही रहेंगी। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, लेकिन हमें देखना चाहिए पाकिस्तान को कि हमने क्या करना है आगे। हुकूमतें, मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि अभी से हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, हमें अपनी भारत की जो हमारी पॉलिसी है उस पर उसको रिविज़िट करना चाहिए, जम्मू और कश्मीर की जो हमारी पॉलिसी है उसको रिविज़िट करना चाहिए, और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना चाहिए जो कि पाकिस्तान के मफाद में हो, कश्मीरियों के मफाद में हो। हमें और ये कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है, अगर हम सीरियसली इस मामले को एक दफ़ा लेकर बैठकर
बैठ जाएं और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना लें और फिर उसको उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहें, तो ये कतन मुश्किल नहीं है, हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ वो कल्चर अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा कि हम बैठ कर, मिल बैठ कर, सोचो विचार करके एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। बहरहाल ये डिसीजन अब जो है वो मोदी साहब का डिसीजन नहीं है। दिस डिसीजन वाज टेकिंग टेकन बाय हिम, लेकिन जिस प्रोसेस से उन्होंने उसको गुजार दिया, अब इसको ये कहना कि ये मोदी साहब का डिसीजन है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना बड़ी नाइंसाफी, क्योंकि उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भारत की जो पार्लियामेंट से गुजरा है, उसके पूरे प्रोसेस से गुजरा है, उस पर बाकायदा वोटिंग हुई है और उस पर सारे भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी प्रेजेंस रखती हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया है। तो इसको फिर यूं अगर आप कहें कि जी भारत के जजेस जो हैं वो मुमकिन है भारत की पार्लियामेंट के डिसीजन को सुपरसीड ना करें, ये है दुरुस्त स्टेटमेंट जिसके पीछे कोई इंसाफ, कोई हया और किसी तरह की कोई थोड़ी बहुत जो है ना वो क्या कह सकते हैं अखलाकियात जो है वो बचती है। कि अब ये हम जज पे सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा लें इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे कि जी उन्होंने मोदी साहब को खुश किया है, तो फिर हम जो है वो कहीं भी जब ये केस डिस्कस कर रहे होंगे जो पार्लियामेंटरी सुप्रमेसी है उसको वर्सेस कोर्ट्स को, तो उसको हम रिकंसाइल कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ये जो अदालतों ने बार बार जो है वो स्ट्राइक डाउन किए यहाँ की पार्लियामान के फैसले, अभी इवन रिसेंट हिस्ट्री में, इवन हम बहुत पीछे ना जाएं लास्ट टू इयर्स में ही आप देख लें, तो जिससे पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंसिया इस पर सख्त नाराजगी का उन्होंने इजहार किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आइन में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम अदारा है, तो पार्लियामेंट एक डिसीजन करती है तो उसको रिव्यू करने का, देखने का जो पूरी दुनिया का ये जो हमारा कॉमन लॉ का सिस्टम है उसका एक बाकायदा क्राइटेरिया है कि वो अगर कोर्ट में चला जाए तो कोर्ट उसमें जो नंबर वन चीज़ देखता है कि कहीं पे ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जुमरे में तो नहीं आता, तो अगर आता है तो 99% कोर्ट्स जो हैं स्पेशली इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स वो उसको जो है वो सेटिसाइड कर ख़त्म कर देते हैं कि जी ये अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स है, लेकिन वो फिर भी पार्लियामेंट को सुपरसीड नहीं करते बल्कि पार्लियामेंट को रिकमेंड करते हैं कि जी ये आपने जो डिसीजन किया इसमें हमारी ये रिजर्वेशन है, आप दोबारा देख लें या कुछ इस तरह का रास्ता निकालते हैं। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो अरेंजमेंट है कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसका क्या रोल है, इसको अगर आप रीडिफाइन करेंगे अपने हर आदमी इंडिविजुअल पोजीशन और दिमाग से, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा ना सोसाइटी चलेगी और एक क्यास की सिचुएशन पैदा होगी जिसे हम देख रहे हैं गुज़श्ता 7-8 सालों से पाकिस्तान में। एक प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के पिंजरे के पीछे फेंक दिया उन्होंने और उस पर लिख दिया कि ये जनाब फलां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने डिसीजन किया है कि ये इस मुल्क का सबसे बड़ा चोर है। अब जनाब वो उसके बाद दूसरे जज ने उसको निकाल के तो वहां का प्राइम मिनिस्टर तक ले जाने के सारे रास्ते फूंके मार मार के हमवार कर दिए, किसी ने कोई नहीं उठाया, दूसरे को उठा के वहां फेंक दिया जहां से वो निकला था कि जी इससे बड़ा चोर तो वो भी नहीं था। अब ये ड्रामा बन जाता है, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसी तरीके से आप देखें तो इंडिया में ये दो सिनारियो है, तो जजेस नॉर्मली इंडिया में पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको चैलेंज नहीं करते, उनको अगर कोई चीज इवन ह्यूमन राइट्स की भी नजर आ जाए लेकिन, तो पार्लियामेंट ब्रिसब इवन देन जो बैलेंस ऑफ पावर है हर सिस्टम के अंदर कानून के अंदर होता है, तो आपको नहीं लगता कि ठीक है जजेस वो नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मैं समझता हूँ ये बात आपकी सही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो जो कश्मीरी शोर डाल रहे हैं, जो ये आर्टिकल 370-35 ए के हवाले से हुआ, अगर आप चले जाएं तो यही 370 यही कहता है ना कि आप मुदाखलत नहीं कर सकते, आप वहाँ कुछ तब्दीलियाँ नहीं कर सकते। अभी आप जो करने जा रहे हैं कि आप वहाँ पे डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर चेंज करना चाहते हैं, तो ये तो कई लोग कहते हैं कि क्योंकि वो ताकतवर हैं आप वो कर सकते हैं,
लेकिन अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का राइट नहीं है कि 5 साल 5.5 साल वहां के लोग रिप्रेजेंट, उनकी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है मुल्क के अंदर, वो अपने फैसले नहीं कर पा रहे। ये तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर तो जारी बात है सरजमिश जरूर होगी मौजूदा हुकूमत की, क्या कहते हैं आप? क्योंकि मेरा मेन कंसर्न ये है कि जो भी सिचुएशन है उसके लिए सबसे जो इमीडिएट और फौरी काम करने की ज़रूरत है वो है रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और आवाम के हकूक और उनके राइट्स उनको फिलफोर लौटा दिए जाएं, जिसमें जो है वो राइट टू गवर्नेंस के वहाँ का निज़ाम चलाने का ज़ाहिर है अपनी असम्बली के ज़रिए या जो भी उनका लेजिस्लेटिव सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और अपनी जो उनकी इंटाइटलमेंट है कि अपने रिसोर्सेज की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी इंसानी मामलात हैं, तो उसके लिए मज़ीद किसी तरह का कोई बहाना करके डिले करना मैं समझता हूँ कि ये एक एंटी डेमोक्रेटिक किस्म का एटीट्यूड है। इसमें मैं नहीं समझता कि लिटिगेशन के होते हुए इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत जो है वो नहीं रहती। ये प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए और उसके बाद जो इलेक्टेड पीपल हैं वो इस तरह के जितने भी जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं खुद, क्योंकि वो अवाम का मैंडेट लेके आएंगे। डेमोक्रेसी का इसके अलावा और कोई तर्जमा नहीं है। डेमोक्रेसी में दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं कि आप एक आदमी बिगड़ जाए कि मैं ये नहीं मानता तो उसको मान लिया जाए, ऐसे होता नहीं। बस अब ये बताइएगा कि ये जो अब बातें हो रही हैं कि तकरीबन 200 से ज़्यादा जो लॉज हैं जो कि कश्मीर के हवाले से अच्छा आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बिल्कुल सरकार भी कह चुकी है कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन कराएगी और इलेक्शन ही होने हैं, वहां पर गवर्नर रूल नहीं रहेगा हमेशा के लिए, वहां पर इलेक्शन होने हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि भाई आप इलेक्शन कराइए, सितंबर 2024 तक का टाइम दिया है, आप इलेक्शन कराइए, इलेक्शन हो जाएंगे। भाई पहले भी इलेक्शन होते रहे, अभी फिर से इलेक्शन हो जाएंगे। सिटीजनशिप राइट्स, लैंड, एम्प्लॉयमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होती वो सारी बात है, कुछ अमेंड कर दी गई, रिवोक कर ली गई। इसी तरह बाहर के जो लोग थे, फॉरनर्स जो थे, वो अब उनको वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लैंड उनको अलॉट कर दी जाएगी। और ये जो चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल कश्मीर का वो स्टेटस? अब जारी बात है अगर सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिडेट कर देती है और कश्मीरी इसको रिजिस्ट करते हैं तो ये एक न्यू नॉर्मल है? इज इट अ प्लान के जी आप इनको मेनस्ट्रीम कर लें? उसमें कोई आदमी जमीन बेचेगा तो आप खरीदेंगे, और जो जमीन बेचेगा पहले वो अपने नेबर को जवाबदेह होगा तो फिर तीसरे को बेचेगा। वहां पे पूरा सिस्टम वो करता है। अब ये किस सरमायादार को जो है उस पर मुसीबत पड़ी है कि वो जनाब बम्बई से आके तो अपना 2 करोड़ रुपया लगा के तो वहां बैठ के लड़ाइयां लड़ता रहेगा लोगों के साथ? ये ऐसे नहीं होता, इस तरह जो है ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये है कि इस यही चीज मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ, जो भी पाकिस्तानी ये कहता है ना कि जो डेमोग्राफिक चेंज, वहां पर जमीन खरीद रहे हैं, अरे भाई अगर मैं कश्मीरी हूँ, मेरे पास जमीन है, मैं बेचूंगा तब तो कोई खरीदेगा, और बेचने में भी सबसे पहले मैं अपने पड़ोसी को बेचूंगा, मोहल्ले वालों से पूछूंगा तब बेचूंगा, किसी बिहार के रहने वाले, यूपी के रहने वाले को मैं जमीन क्यों बेचूंगा भाई? लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते, दिमाग में घुसा दिया डेमोग्राफी चेंज, जमीन दे दी खरीदने के लिए, अरे भाई कहाँ हो चक्कर में। ये जो महाराजा हरि सिंह के जमाने का जो कानून था जो कश्मीरी अवाम को उस वक्त प्रोटेक्ट करता था, बुनियादी तौर पे ये उस वक्त बनाया गया था क्योंकि उस वक्त कश्मीर में इससे भी बहुत ज्यादा गुरबत थी और बदहाली थी, और महाराजा ये समझता था कि अगर इस तरह की हमने कोई प्रोटेक्शन ना दी तो ये हमारे जो पड़ोसी हैं पंजाब से, हरियाणा से, या इस तरह के दीगर रियासतों के जो बड़े बड़े जागीरदार, वो यहाँ आके लोगों से ज़मीनें खरीद लेंगे और उनको बेघर कर देंगे। तो वो बेसिकली कोई एक जो कंसेप्ट था वो चलता रहा। इसको ख़त्म करने के बाद भी 5 साल में कोई किसी ने ना ज़मीन बेची, ना कोई डिस्प्लेस हुआ, ना कोई हमने कोई बिजनेस देखा, ना हमने किसी को कुछ खरीदते देखा। जो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुई, मसलन जो बड़ी जो है वो गल्फ कंट्रीज की कुछ रियासतों ने जो है वो क्या कहते हैं कंपनीज ने की, या हिंदुस्तान के बड़े सरमायादारों ने, वो बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं जो कि मल्टीनेशनल पैटर्न पे हो रही हैं, जो हर सूबे या रियासतों में होती हैं। उसमें उनके लिए जो लीजिंग सिस्टम है वो पहले से इन प्लेस है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है पहले भी कि उनको कहीं अगर ज़मीन चाहिए कोई ऑफिस या हेड ऑफिस बनाने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए,
तो इसलिए ये कंसर्न है ही नहीं, और ना ही आप देखते हैं कि इसके खिलाफ को बहुत बड़ी अब उस तरह की आवाज आ रही, उठ रही है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अच्छा वैसे बता दूं कि बड़ा दुख लगा है डॉक्टर चीमा को, भाई चीमा साहब जो हैं वो बड़ा दुख लगा है इनको। तो चीमा जी ने ट्विटर पर इसका दुख का इजहार भी किया, दो ट्वीट किए इन्होंने, और दोनों ट्वीटे में कहा कि देखिए ये कैसे हो गया, ये तो लग रहा था कि यही करेंगे, इंडिया वाले यही हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जो है अब वो इंडिया का वैसा ही दे रहा है। अरे भाई तो सुप्रीम कोर्ट भारत का ही है। और दूसरी बात कि भाई जाहिर सी बात है कि आप लोग पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं ढंग से हमारा कानून। भाई 370 एक टेम्पररी कानून था, वो उसी वक्त लिखा गया था कि ये टेम्पररी है। भाई वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था ना कि वो टेम्पररी है, तो भारत ने पहले भी टेम्पररी लिखा था, भारत ने फिर बाद में उसको हटा लिया, ये तो भारत का अधिकार है। पाकिस्तान को मिर्ची क्यों लग रही है उसमें? कोई वहां पे आईन जो है वो पाकिस्तान का तो नहीं चल रहा था ना, जिसमें हमने फिर बदल कर दिया, बदलाव कर दिया, नहीं, वहां भारत का कानून था। तो भारत के कानून में लिखा था कि वो टेम्पररी है 370। अब आप चिल्लाते रहिए चिंघाड़ते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है चीमा साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के, जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है, और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं, और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही है। कहा ये जा रहे हैं एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कहा के नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है, ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और ये तो आरजू जी 76 ईयर से पाकिस्तान कह रहा है कि नस्ल कशी की जा रही है, नस्ल कशी की जा रही है, और जम्मू कश्मीर में ऐसी नस्ल कशी हुई है कि लोग वहीं के वहीं हैं, जनसंख्या बढ़ गई है। ऐसे में तो जनसंख्या कम होनी चाहिए ना, लोग गायब होने चाहिए जैसे पाकिस्तान में हो गए हिंदू, लेकिन कश्मीर में तो कम होने की बजाय बढ़ ही गए हैं लोग, मुसलमान बढ़ गए हैं। सीधी सी बात मैं कहूँ जो जिस सेंस वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान और ये वो, तो दुनिया भी समझ गई है कि चूरन ज़्यादा चलेगा नहीं, नस्ल कशी की जा रही है, तो भैया लोग बढ़ क्यों गए वहां पे मुसलमान जम्मू कश्मीर में, घट क्यों नहीं रहे हैं? जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस है, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उन्होंने उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था, मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया, और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगें हम कर चुके हैं, उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है
कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म के स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। हम उनके मामले में बात कर रहे हैं, हम बार बार नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी ये भी करना चाहिए कि कश्मीर के इशू को लेकर एक बार फिर यूनाइटेड नेशन में जाने की बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन में जाकर हंगामा करने की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है कि वहां पर जाके इस इशू को हाईलाइट किया जाए। पाकिस्तान पहले भी कई बार इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट कर चुका है, लेकिन हासिल क्या हुआ? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने जो जिस तरह से डेवलपमेंट का काम किया है कश्मीर में, वहां पर गल्फ कंट्रीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ गई है। ये बात भी सभी लोग जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज जो है वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या ऐसा होगा कि कोई पाकिस्तान की बात को सुनेगा या उसकी बात को सच मानेगा? ये जरूर एक सोचने की बात है, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई रिवाज है नहीं कि हम इस तरफ को सोचें या इस तरफ देखें। बात अगर करें सऊदी अरब की, सऊदी अरब हो चाहे वो दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, यूएई हो, और कई कंट्रीज जो कि भारत में, ना सिर्फ ये कि भारत के अंदर बल्कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहां पे मॉल्स बना रही हैं और कई तरह की वहां पे जो काम हो रहे हैं डेवलपमेंट के वो भी हमने देखे। उसके बाद G20 की मीटिंग भी वहां पर हो गई, तभी पाकिस्तान शोर मचाता रह गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहां पर एक बड़े शानदार तरीके से G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की गई। जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है वो लोग भी बार बार उस तरफ को ही देख रहे हैं, और कई लोग वहां पे प्रोटेस्ट हमारी तरफ यानी कि कश्मीर में प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई देते हैं, और वो अपना राइट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि जी पाकिस्तान में उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको जो चीजें यानी जो बेसिक नीड्स के सामान होता है वो भी उनके पास नहीं है, और इस बारे में कई बार हमने बात भी की है और लोगों का प्रोटेस्ट भी दिखाया है। डिफरेंट चैनल्स पे भी आप देखते रहे, लेकिन पाकिस्तान की एक ही रट है, और वो ये कि जी बस जब भी कोई इस तरह का फैसला आएगा तो उन्होंने टीवी चैनल्स पे शोर मचाना है। और अभी जो एक्सपर्ट्स आए हुए उनमें से कुछ का तो ये भी कहना था कि गवर्नमेंट लेवल पे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं उन्हें जाकर कुछ कहना चाहिए, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। वो एक्सपर्ट साहब जो थे वो यकीनन डिफेंस एक्सपर्ट थे और एक रिटायर्ड फौजी थे। उनका कहना ये था कि जी पीएम मोदी जो हैं वो भारत को हिंदुस्तान बना रहे हैं, माइनॉरिटीज को खत्म करें, लेकिन अगर यही साहब जो हैं वो जरा पाकिस्तान की तरफ देख लें और हमें बता दें कि पाकिस्तान में कितनी माइनॉरिटीज रह गई हैं, उनके कौन से राइट्स हैं जो उनको मिल रहे हैं और कौन से राइट्स ऐसे हैं जो उनको नहीं मिल रहे, थोड़ी सी अगर अटेंशन अपनी कंट्री की तरफ दे दें तो बेहतर होगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के शोर मचाने से या पाकिस्तान के ये कह देने से कि हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते से कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को कोई फर्क पड़ रहा है, और ये जो टीवी पे नजर आते हैं आपको या आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं ये चंद गिने चुने लोग हैं, बाकी पाकिस्तान की पब्लिक बेचारी अपने गैस के, बिजली के और खाने के बिल दे देकर बदहाल हुई हुई है। ये फैसला जिसमें ये कहा गया है, ये बात बिल्कुल सही है, और यकीन मानिए इससे भी बड़ा बवाल हुआ था जब हमने एब्रोगेट किया था 370 और 35A। क्या हुआ उसके बाद? 4 साल हो गए उस बात को, आप रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, यूएन में गए, यहां गए, वहां गए, ऐसा किया, वैसा किया, ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला। आपने अपने मैप में जरूर बदल लिया, ग्राउंड पे कुछ नहीं बदला। कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था उसको वैलिडेट किया गया है। क्या मोदी सरकार की जीत है? क्या ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की जीत है या ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है? देखिए जी, सारा कुछ कानून के मुताबिक होता है और ये इंडिया के पार्लियामेंट की जीत है। पार्लियामेंट का फैसला था, ये इस देश का फैसला था, इस देश का मूड था। हाँ, उसको करने वाली बीजेपी पार्टी थी जिसकी सरकार है, लेकिन मूड ये पूरे देश का था और ये होना भी चाहिए था भाई, टेम्पररी था, सिंपल सी बात। देखिए ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर पूरा कंट्री तरक्की कर रहा है और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ रवाना है तो ये कैसे मुमकिन है कि वहां का कोई एक हिस्सा जो है वो तरक्की ना करे। ये बात अपनी जगह पर है कि जो इंडिया तरक्की कर रहा है तो उसमें आप देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी तरक्की करता हुआ नजर आएगा, तरक्की होगी। ये नहीं हो सकता कि एक शहर या एक स्टेट वो जो है वो पीछे रह जाए, उसको पीछे छोड़ दें, और जबकि मैं ये समझती हूँ कि उनके लिए ये सबसे ज्यादा
मुश्किल और सबसे ज्यादा अहम काम होगा हुकूमत के लिए वहां की। वजीर आजम जो नरेंद्र मोदी साहब और उनकी हुकूमत है वो अपनी सी कोशिश सबसे ज्यादा यही करेंगे कि क्योंकि अब इसकी वैलिडेशन भी हो गई है तो अब इसको मुकम्मल तौर पे इस पे कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि ये लास्ट नेल आखिरी कील ठोंक दी गई है इस फैसले पर। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं कर सकते। जो मर्जी तुझे हर साल जो है वो 50 लाख या कितने करोड़ जो है वो दिया जाता था कश्मीर कमेटी को, और उसमें होता क्या था, उसमें ये होता था कि मौलाना फजलुर रहमान उसके जो है हेड हुआ करते थे कि सिर्फ हलवे खाए जाते थे, सिर्फ बिरयानियां खाई जाती थी, सिर्फ ऐश होती थी, और या फिर ये कि ट्रिप्स होते थे पूरी दुनिया के, और कुछ भी नहीं हुआ। और हमने देखा कि जिस वक्त ये फैसला हुआ तो उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद कि जनाब आप हर जुम्मे को 20 मिनट के लिए धूप में खड़े हो जाएं। तो अब आप ऐसा करें कि आप डेली बेसिस पर वो 5 घंटों के लिए धूप में खड़े होना शुरू कर दें, क्योंकि जो होना तो हो गया, उनको वैसे ही आप कुछ नहीं कर सकते थे और कुछ नहीं कर सके, तो अब तो ये जैसा मैंने कहा कि आखिरी कील उन्होंने ठोंक दिया है। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म हो गया, और बिल्कुल आखिरी कील तो नहीं कहूंगा मैं, अभी और भी कीलें ठोकनी है, इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ेंगे हम पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा कीलें ठोकनी है अभी कि दर्द हो अभी। और देखिए मैं हमेशा कह रहा था ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता कश्मीर के बारे में, धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। एक बात आलिया ने कही कि जी ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा देश तरक्की कर रहा हो और उसका एक हिस्सा ना हो। देखिए ऐसा था जम्मू कश्मीर में, ऐसा था पूरा देश तरक्की कर रहा था और जम्मू कश्मीर को इससे वंचित रखा गया था। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो आप सोचिए कि $14 बिलियन का हमने बजट बनाया हमने जम्मू कश्मीर का, $14 बिलियन का, और इसलिए बनाया क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पर पिछले 70-71 साल से दीवार बनाई थी इन्हीं अब्दुल्लाओं ने और मुफ्तियों ने, अरे सारी गड़बड़ी के जड़ यही थे। आज ये कह रहे हैं कि जी हमें ये किया गया वो किया गया, सारी गड़बड़ियों के जड़ ये थे। और आज देखिए जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यकीन मानिए अगले 4-5 साल में बहुत ज्यादा विकास होने वाला है जम्मू कश्मीर का। और हमने जो कुछ भी किया वो नियमों के मुताबिक किया। आप इस केस को उठाकर यूएन ले जाइए, मार्स पर ले जाइए, प्लूटो पर लेकर चले जाइए, लेकिन जो हमारे ग्राउंड्स हैं, हमारी जो दलीलें हैं, जो ऑन पेपर दस्तावेज हैं, जिस प्रोसेस को फॉलो किया गया वो प्रोसेस जेन्युइन है, वो प्रोसेस डेमोक्रेटिक तरीके से है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इसको पलटना देता, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान वाले भले ही गए कमरचीमा टाइप्स के, जी सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया का है तो इंडिया के हिसाब से ही देगा। ठीक है भाई देगा, आप लेकर चलेगा ना 76 ईयर से आप मामले को उठा रहे हो ना, आपने क्या गेन किया? आप यूएन लेके गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके गए, यहां लेके गए, वहां लेके गए, तो क्या गेन कर लिया आपने? न किया था, न किया है, और न किया कर पाएंगे कुछ, और जो है वो भी खो देंगे। 71 में खो चुके हैं आप अपना आधा देश, तो जो है वो भी खो सकता है और खोएगा, क्योंकि हम अब वहां के लोगों को उनका हक दे रहे हैं, रोजगार में, इंफ्रा में, बिजली में, बत्ती में, इन्वेंशन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह। आप देखते रहिए अभी अस्पताल बन रहे हैं इतने सारे, रोजगार के अवसर मिलेंगे इतने सारे, और आप देखो 2019 के बाद कहां पत्थरबाजी घटना बंद हो गई ना, पाकिस्तान इसलिए तो और बिल बिला रहा है। तो हम वो सारे काम करेंगे जिससे आपको और मिर्ची लगेगी, और लगने भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इस कश्मीर के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए, अरबों डॉलर जमा किए हैं, और सब खा गए, कश्मीरियों के नाम का इस्तेमाल करके करते हैं आप, और कश्मीरियों को कुछ नहीं मिला, आप लोगों ने अपनी जेबें भरी। तो अब जो कश्मीर का युवा है, हमारे कश्मीर का युवा है, वो अब देख चुका है कि असलियत क्या है, और जो परली साइड वाला जो हमारा हिस्सा है जिस पर आपका कंट्रोल है वो भी देख रहे हैं, और उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान उनके साथ क्या कर रहा है। तो धीरे धीरे वो चीजें उभर रही हैं अब, और वो आपको नजर आ रही हैं, आने वाले वक्त में ये चीजें और ज्यादा नजर आएंगी, बहुत ज्यादा नजर आएंगी, तब जाकर आप लोगों को लगे। अभी भी पाकिस्तान में लोग डिनायल मोड में, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो ऐसा ही है, हमारे साथ हैं, ऐसा ग्राउंड पे रियलिटी बदल चुकी है। आप लोग अभी भी 1400 साल पुराने टाइम में जी रहे हो, आगे आइए 2023 है, बदल चुका है बहुत कुछ, और बहुत कुछ बदलने वाला है। रोते रहिए, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म, बातें बड़ी मजेदार है की हुआ कि पहली बात यह है कि मैं हम पहले भी एक वीडियो में शायद इस पर वीडियो कर चुके हैं, करीब मैं अक्सर ये कह चुका हूँ कि वो 370 इंडियन कानून का हिस्सा था, इंडियन आर्टिकल था, इंडियन ने हटा दिया, इंडियन लगा दिया, इसमें रोने वाली
या शोर शराबा करने वाली बात है नहीं। लेकिन एक पॉइंट लोग साहब ने एक ऐसा बोला जिस पर थोड़ा सा मुझे गुस्सा भी आया, तमाम को आया होगा। मेरी बात सुने भाई, आपको गुस्सा आ रहा है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन पहले थोड़ी सी इस पर बात कर लें, फिर पॉइंट की तरफ भी आएंगे, क्योंकि देखने लगे व्यूवर्स है ना वो भी एतराज करते हैं। तो भाई क्या मतलब कि आप कभी कोई बयान आपका होता है, कभी आपके आपका एक बयान है भाई, जब गलत बात हो गलत पे गलत भी गलत ही नहीं देखेंगे कि कौन आगे है, ये कोई जो गलत है भाई बयानिया मतलब क्या, हमने कौन सा गलत बोला? नहीं नहीं आप वो भाई कहते हैं ना क्या मतलब, कभी आप किसी पाकिस्तान की साइड पे हो जाते हैं कभी इंडिया वाले, आपको समझ नहीं लगती। तो मैं इसलिए पहले कहना चाहता हूँ कि हमें तीनों को मेरे ख्याल से कि इस 370 से हम भी पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान में शामिल, तो हमें इससे कोई भी जो है ना सरकार नहीं है हटे रहे, मैं हम तो कहता हूँ बेहतर है, अच्छा हो रहा है। अच्छा दूसरी बात, चाचू ने फिर आई कर दी दोहरा दी है कि खंडर हो जाएगा ये बातें करने वाली है, जब इंडिया करेगा तो आपको पता है आपका कोई भी दूसरा दुश्मन हो कोई भी फर्ज कर ले बांग्लादेश, पाकिस्तान ना छोड़ दे कोई भी करो, कोई भी कर बांग्लादेश ही करना, अगर बांग्लादेश के पास भी ये जो है ना एटॉमिक पावर हो तो वो क्या यूज नहीं करेगा आपको? बिल्कुल तो, करेगा। तो फिर इंडिया का क्या हाल होगा, वो भी खंडर में तब्दील? हम तो खंडर पहले ही है, हमें क्या धमकी देते हैं, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो पहले खंडर है, हमें धमकी तो उसको दो जिसका कुछ कुछ जिसके पास कुछ मौजूद हो, जिसको खोने का कोई डर पता है, जिसके पास कुछ होता ना खोने का भी उसको डर होता है, मतलब मेरे पास फर्क कोई पैसा है तो रात को मुझे चिंता होगी कि यार मैं ना कहीं इसको सेव करके सोऊं, कहीं डाकू वगैरह ना आकर मुझे लूट ना ले, या मैं कहीं रात को देर से घर आ रहा हूं तो मेरे पास अगर पैसे हैं या कोई चीज़ कीमती है तो मेरे मुझे डर लगा रहेगा कि यार ये चीज़ मैं खो ना दूँ, और ये कीमती भी है मेरे लिए और ज़िंदगी का हिस्सा भी है तो मुझे डर रहेगा। अगर मेरे पास है ही कुछ, मेरी जेबें खाली हैं, घर खाली, तिजोरियां खाली हैं, कहीं कुछ नहीं भाई, इस लिहाज तो हम खुद चोर हैं, मैं मान रहा हूँ। दूसरी कंट्री में जाते हैं पाकिस्तानी ब्लेम होते हैं, पाकिस्तानी इस तरह वो, तो फिर आप सोचेंगे पाकिस्तान हमें डर किसका फिर होगा, हम क्या खोएंगे, हमें कुछ पास तो कोई चीज नहीं खोने के, हमें खोने का कुछ नहीं है, इंडिया के पास बहुत कुछ है। बिल्कुल अच्छा, देखने के एक मिनट भाई इस्लाम थोड़ा सा भी को मसला बन गया और इंडिया और पाकिस्तान की फर्ज कर, अल्लाह ना करे, अल्लाह कर, ना ही करे कभी ऐसा हो, ऐसा हम चाहते भी नहीं, फर्ज कर ले वार हो जाती है, पाकिस्तान आखिर जब हाथ पर पहुंच जाएगा उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, तो उसने तो एटम जो है वो तो यूज करना है एक मिनट, तो फिर आपका जो सपना है भाई ये भी कहीं रहमतुल्लाह, आपको भी सोचना चाहिए ऐसी बातें करने से पहले, पाकिस्तानी अगर ये बात करें हमारे पास एटम है तो आप उसको भाई पता नहीं क्या कितना बुरा भला बोलते हैं, और अलोक चाचू भाई अपने इतने पढ़े लिखे हैं और हम फिर अनपढ़ में खंडर खंडर कर देंगे, कर दें खंडर, खंडर को क्या किसने खंडर करना है, ये तो भाई पहले खंडर है, ये तो हम खुद खंडर को क्या खंडर करना है, ये तो सीधी सीधी धमकी है, धमकी लगा दी, जैसा फलस्तीन खंडर बन चुका है ऐसा पाकिस्तान भी बना दिया जाएगा। यार देखें ठीक है, आप हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, मानते हैं आपकी इकोनॉमी बेहतर है, अच्छी है, आपका मुल्क बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है, लेकिन आगे भी पाकिस्तान है भाई, इतना तो नहीं, 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 नहीं जितना भी कमजोर है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, दुश्मन कमजोर समझना ही नहीं चाहिए, समझने नहीं चाहिए, लेकिन गलत बात है, मैं ऐसी बात जो है ना आलोक सर से बिल्कुल तवक्को नहीं करता, क्योंकि एक मरतबा एस जे शंकर साहब से किसी ने पूछा कि पीओके आप कब ले रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि भाई ये जब वक्त आएगा तो तब बात होगी इस पे, तो अभी तो मैं उनका जो जवाब देना था ना वो बड़ा जबरदस्त था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आलोक सर की तरह उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भाई जब हमको मौका मिला तो हम भाई वहां पे स्ट्राइक करेंगे और उसको खंडर कर देंगे, तमाम जो पाकिस्तान को उसको उड़ा के रख देंगे, ऐसा बयान उन्होंने नहीं दिया था, जैसे कि एक मैं कहता हूं कि अच्छा और इंटेलिजेंट इंसान उसका आंसर करता है ना, इस तरह एस जे शंकर साहब ने किया, मतलब कुछ बोलने वाले थे। मैं अपने चाचा को कहना चाहता हूं कि मैं पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोला, मैं कोई भी कह रहा हूँ दुश्मन कंट्री इंडिया का उसके मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की वजह से नहीं बोल रहा, तो वो कोई भी दुश्मन कंट्री हो सकता है, और आप देखें कि यार इतने पढ़े लिखे हैं या मतलब जो भी एजुकेटेड खुद को कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तानी जाहिल हैं, जाहिल अक्सर आप ऐसा बोलते रहते हैं, लेकिन फिर आप और मैं और हमें तो फर्क तो फिर ना रह गया, अगर फर्क देखना है तो डॉक्टर एस जे शंकर को देखना चाहिए, इनसे फर्क पता भी चलता है, जिन्होंने इतना अच्छा जवाब देते हैं यार सुनने वाले, मतलब कल पाकिस्तान के खिलाफ ही था, अच्छा पाकिस्तानी मुझे सुनकर खुशी हुई यार, यार बंद कर दो बस कर दो
यार मुझे गुस्सा आ रहा है कुछ नहीं यार, कंट्रोल 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 वो जब तक इस तरह के लोग हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया कभी जो है करीब नहीं 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 नहीं, नहीं 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 भाई नहीं। अच्छा मैं भी थोड़ी सी बात कर लूँ, काफ़ी लोग नीचे अब कमेंट करेंगे कि इंडिया एक ही मिसाइल में पाकिस्तान को उड़ा देगा, पाकिस्तान को सेकंड ऑप्शन ही नहीं बचेगा। असलम भाई एक मिनट, पाकिस्तान पास सब मरीन्स हैं और उनके अंदर आई थिंक ये वाला सिस्टम भी होगा, मतलब हर कंट्री जो ना बैकअप तैयार रखता है, उनको पता है कि अगर हम पर खुदा ना खास्ता कभी भी न्यूक्लियर अटैक होता है ना, तो उसको वो सेकंड बैकअप के लिए तैयार रखते हैं कि हम भी कम अज़ कम इतना तो कर सकें कि हम मतलब ना दूसरी अपनी दुश्मन कंट्री पर न्यूक्लियर वॉर कर सकें, चाहे उनका अपना मुल्क तबाह भी क्यों ना हो गया हो, हर कंट्री के पास दूसरा ऑप्शन ज़रूर होता है, जिस तरह सबमरीन में या कहीं ना कहीं उन्होंने अलग रखा होता है, ठीक है ना, तो कर लें शो पूरा खंडर कर दें। फिर मैंने तो बहुत पहले का कहा हुआ है यह शुरू करें, हम भी देखना चाहते हैं कि होता किस में कितना दम है, क्योंकि हम भी अपनी पाक आर्मी से बहुत ज्यादा तंग। बीजेपी कह रहे हैं कि वो पहले की तरह की नहीं है, फिर उन्होंने ये कहा कि ये हमारे वो आलिया शाह कह रही थी कि ये मोदी की जीत है, वो नहीं है बिल्कुल ये कहने नहीं, आलिया शाह ने ये कहा था कि ये मोदी की जीत है, मैं इसको गलत कहता हूँ क्योंकि ये पूरे इंडिया की जीत है, ये 370 का लगा था तब पूरी गवर्नमेंट ये पूरी उनकी लोकसभा जो बोलते हैं पार्लियामेंट पार्लियामेंट का फैसला। लेकिन भाई जिन पाकिस्तानियों को थोड़ा सा शऊर है ना, जिनको पता है, वो ये नहीं कहते कि भाई 370 उन्होंने क्यों हटाया, उस पर रोना धोना उनका नहीं है, क्योंकि भाई 370 भी इंडिया का है और लागू भी उन्होंने किया है और हटा भी उन्होंने दिया है, तो इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों का बनता ही नहीं है रोना धोना। हाँ लेकिन जो इस पे रोना धोना जिनका है वो मैं कहता हूँ कि उनमें शऊर नहीं है या वो वैसे बेहिसी दिखा रहे हैं। ना सही है। खैर अलोक सर आप काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, थोड़ी सी ना इस चीज़ को मदद रखा करें कि सामने को टॉर्चर ना किया। असल में पता क्या कर जज्बात में इनसे ना काफ़ी इनकी वीडियोज़ देखते हैं तो जज्बात में कोई ना कोई एक ऐसी एक आध बात कर जाते हैं जो इन्हें करनी नहीं चाहिए थी। अब ठीक है आप अब बस भाई बाकी सारी वीडियो हमें भूल गए। हाँ। सारे ऑप्शन भूल गए, हमने सिर्फ इस पर ही फोकस किया और देख रहे हैं जारी बात, जब इस तरह की बात होती तो बाकी चीज़ें सारी भूल जाती हैं, तो हमें ज़रूरी लगा कि हमें इस पर बोलना चाहिए कि हम खंडर खंडर को क्या खंडर बनाना यार, किसी हंसते बसते घर को खंडर बनाओ, किसी कैनेडा जैसे मुल्क को, किसी कतर जैसे मुल्क को, उस जैसे मुल्क को करो यार खंडर, हम तो पहले खंडर हैं, हमारे या चाइना को बनाओ खंडर बना दो यार, ये चाइना सही है, चाइना नज़दीक भी है, नज़दीक भी है, वो खंडर बनना है क्योंकि उसकी इकानमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको खंडर और ट्रेड भी उसकी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे दो चार अपने जो है ना आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपने बताना है कि यहाँ पर गलत कौन बोल रहा है, मतलब कि ये गलत ही है ना कि खंडर बना देना वो आप पाकिस्तान को छोड़ो, उन्होंने ये कहा लोग भाई हम मैं पर्सनली कहता हूँ कि भाई इंडिया का अगर पाकिस्तान और इंडिया का आपस में तसादुम होता है तो मैं ये नहीं कहता कि भाई इंडिया को खंडर बना देना चाहिए, मैं इस बात पे ही एग्री करता हूँ कि भाई वो हमारा नेबर है उसके साथ अच्छी ट्रेड होनी चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होनी चाहिए, मैं ये ख्वाहिश करता हूँ भाई, लेकिन ऐसी ख्वाहिश पूरी कब होती है मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।